हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल। अभी क्या आपको भी अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट में डिलीवरी एड्रेस चेंज करना है या आपको अपना डिलीवरी एड्रेस नया बनाना है, तो आज की हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं कि आप अपना डिलीवरी एड्रेस कैसे बनाएं या आप दूसरा वाला जो एडिट है वो उसी को आप चेंज कैसे करें। तो आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को एंड तक देखना है जिससे कि हम आपको सारी डिटेल आसानी से बता पाएँ। तो चलते अपनी वीडियो को स्टार्ट करते। तो आपको सबसे पहले अपने फ्लिपकार्ट ऐप में जाना है और ऐप में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक अकाउंट लिखा होगा, आपको नीचे जाना है। नीचे आपको चौथे नंबर पर, आपको फोर्थ नंबर पर अकाउंट लिखा होगा, तो आपको अकाउंट पर क्लिक करना है। और अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। आपको क्या करना है, आपको नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद वहीं पर लिखा होगा आपको सेव्ड एड्रेस। तो यहाँ पर आपको लिखा होगा सेव्ड एड्रेस, तो सिंपल से आपको जो एड्रेस है उस पर आपको क्लिक कर देना है। और एड्रेस पर क्लिक करने के बाद अगर आपने कोई सा पहले एड्रेस डाला होगा तो वहाँ पर आपका एड्रेस हो जाएगा। अगर आपको नया एड्रेस बनाना है तो आपको ऐड अ न्यू एड्रेस पर क्लिक कर देना है। तो अब आपको दूसरा वाला वही एड्रेस को आपको ऐड करना है, तो आपको ऊपर थ्री पॉइंट पर क्लिक करना है और एडिट पर क्लिक कर देना है। आपको क्या करना है, एडिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको रिमूव और एडिट का ऑप्शन शो होगा, तो आपको एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फर्स्ट नंबर पर आपका आता है नेम, तो आपका जो भी नेम हो आपको अपना फुल नेम डालना है। और फुल नेम डालने के बाद अब आपको दूसरे नंबर पर जाना है। अब दूसरे नंबर पर आपको मांगता है मोबाइल नंबर। अब आपके फ़ोन में जो मोबाइल नंबर है, जो भी सिम डली हो उसी सिम का नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और आपको फिर क्या करना है, आपको फिर चौथे नंबर पर आना है। अब आपको क्या क्या डालना होता है, पिन कोड डालना होता है अपने जिला का, आपका कौन सा पिन कोड है। आपको 6 डिजिट का एक पिन कोड होगा, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और अब आपको यहाँ जाना है पाँचवें नंबर पर। यहाँ पर आपको स्टेट मतलब आपको राज्य डालना होता है, आप कौन से राज्य से हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हैं। अब आपको नीचे आना है पाँचवें नंबर पर उसी के बगल में, तो यहाँ पर लिखा होता है सिटी, तो यहाँ पर आपको अपना सिटी का नेम डालना होता है। और यहाँ पर आप जो उसी के नीचे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपको डालना होता है हाउस नंबर, और आप जहाँ रहते हो, आप कौन सी गली में रहते हो या नगर में रहते हो, जो भी नगर में या गली में रहते हो उस गली का नेम और नगर का आपको नेम डाल देना है। और नेम डालने के बाद आपको अपने मेन रोड का, जो भी मेन रोड है उसका नेम डाल देना है। और नेम डालने के बाद यहाँ पर आपको नीचे सेव एड्रेस का ऑप्शन होगा, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एड्रेस अपडेट सक्सेसफुली, आपका जो अपडेट है वो एड्रेस है वो चेंज हो गया है। अगर आपको अपनी प्रोफाइल चेंज करनी हो तो आपको यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पर ऊपर हो जाएगा, एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको अपना नेम चेंज करना होता है, मोबाइल नंबर और आईडी, केवल ईमेल आईडी डाल सकते हैं आप, और अपना फ़ोन नंबर भी यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो उस पर भी आपको सेव्ड पर क्लिक करना है और प्रोफाइल बहुत सेव्ड हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी और कमाल की वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।